इसमें हम देखेंगे कि कह रहा है रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक ना, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं। पहला जो है मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक ना, तो मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब आपका जो है राइट हैंड ये है, ठीक ना। मान लीजिए आपने क्या किया, ये पेचकस मान लिए, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर मानिए इसको, ठीक, आपने ऐसे पकड़ा इसको। पकड़ने के बाद, ठीक ना, इस पेच को इस तरीके से घुमाना है, मतलब उसको क्या करना है, कसना है, ठीक ना, टाइट करना है। तो जिधर को आप घुमाओगे, ठीक ना, जो आपका ये अंगूठा है वो आपके करंट की दिशा होगी और जो आपके घुमाने की दिशा होगी, ठीक ना, पेचकस को जो घुमाने की दिशा होगी आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। बस यही है आपका मैक्सवेल का क्या, स्क्रू रूल, ठीक ना, राइट हैंड स्क्रू रूल यही है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है अगला पॉइंट में राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में आपको बस इतना समझना है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये चालक है, तार है, ठीक ना, अनंत लंबाई का है। आपने क्या किया, उसको जो है दाएं हाथ में इस तरीके से पकड़ा कि आपका जो है अंगूठा वो जो हो क्या करेगा, धारा की दिशा जिधर से धारा बह रही है उधर की दिशा, और बाकी जो है उंगली आपकी जो है कि तार पे क्या हो जाए, लिपट जाए, ठीक ना। तो ये जो अंगूठे की दिशा होगी, ठीक, ये जो अंगूठे की दिशा होगी वो धारा की दिशा होगी, और ये जो लिपटी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है, देखिए वही चीज़ें बता रही है। ये अनंत लंबाई के तार हैं, ठीक, ये अंगूठा है, फिर ये लिपटी उंगलियाँ हैं, तो उंगलियाँ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है और ये धारा की दिशा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिएगा कह रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जिस तरीके से अगर कोई आप चुंबक रखते हो तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उसी तरीके से अगर क्या करें, एक कंडक्टर ले, कोई चालक ले, ठीक, तो उसके तरफ क्या होगा, अगर उसमें हम क्या करते हैं, करंट अगर फ्लो कराते हैं, ठीक ना, अगर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है विद्युत के कारण, मतलब जो है इस धारा के कारण जो है मैग्नेटिक क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही बातें, ठीक है। अब देखिएगा अब इसी में कह रहा है धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए आस्टेट का प्रयोग, ठीक है, आस्टेट के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया कि विद्युत धारा का वो क्या था, पहला ऑरस्टेड का प्रयोग पहला ये था, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो इसमें इन्होंने ये किया कि भाई एक कोई इस तरीके से रॉड लिया, ठीक ना, सुई टाइप में, इस पे क्या किया, इन्होंने चुंबकी सुई रख दिया, ठीक ना, क्या किया, चुंबकी सुई रख दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसा समझिएगा, ठीक, चुंबकी सुई रखा। अब क्या किया, इसी के ऊपर से पैरेलल में क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक चालक यानी तार रखा, ठीक। तार रखने के बाद इन्होंने देखा एन और एस, ठीक ना। अब इसमें क्या है, जब इस तार के समांतर में रखा चुंबकीय सुई के, तो इन्होंने देखा
कि भाई इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था, ठीक। लेकिन जैसे ही इस तार में आई करंट फ्लो कराया गया, ठीक, वैसे ही इसमें क्या किया गया, इसमें डिफ्लेक्शन आया, यानी ये घूमकर कुछ ऐसा हो गया, ठीक ना, समझ में आ रही बातें। ये चुंबकीय सुई क्या हो गई, घूम गई या विक्षेपित हो गई। लेकिन जैसे ही इन्होंने फिर से क्या किया कि भाई डायरेक्शन इसका ऐसे था तो इसको डायरेक्शन इधर के कर दिया करंट का, ठीक। तो फिर से देखा इन्होंने कि भाई इसका डायरेक्शन भी उल्टा हो गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया, समझ में आ रही बातें, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो धारा है, धारा के कारण इस तार में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। अब देखिएगा, अब अगला क्या है, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट करिंग स्टेट वायर, ठीक ना। अगर कोई है, मान लीजिए कोई स्टेट वायर है, ठीक ना, और स्टेट एक्सपेरिमेंट क्या देखा आपने, उन्होंने क्या किया, एक चुंबकीय सुई लिया, उसके ऊपर तार स्थापित किया, तो तार में जब तक धारा स्थापित नहीं थी तब तक कोई डिफ्लेक्शन चुंबकीय सुई में नहीं था। लेकिन जैसे ही धारा स्थापित किया उन्होंने तो उसमें क्या किया, चुंबकीय जो है कि उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, आप देखिए ये जो है, अब कह रहा है अगला क्या कि सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग स्टेट वायर, क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्टेट वायर, वायर, ठीक। तो इसमें क्या देखना है आपको कि भाई जो है ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता जो वो क्या करता है, इसमें जो धारा की दिशा है, ठीक है, जो धारा है यानी बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, ठीक है, वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, धारा के, ठीक है। और यही चुंबकीय क्षेत्र जो है अनुक्रमानु व्युत्क्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो व्युत्क्रम होता है किसके, इसके दूरी के, ठीक ना। तो इसी को जब हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, बी प्रोपोर्शनल आई बाई आर। अब इसी आर को जब हम मटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, हम के मानते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाता है, के आई अपान में आर, ठीक ना। यही चुंबकीय क्षेत्र का जो है देखिए, आप देखिएगा किसी भी क्षेत्र में जो है आपको किसी भी चालक में चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर ज्ञात करना है तो हम इसी से निकाल लेंगे, ठीक ना। आर की वैल्यू दिया हो, आई की वैल्यू दिया हो, इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। इसी में ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र नियतांक है और इसकी वैल्यू जो होती है म्यू नॉट अपान में टू पाई, म्यू नॉट अपान में टू पाई, इसी म्यू नॉट अपान में टू पाई की वैल्यू जो होगी आपकी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7
ये हो जाता है, ठीक है ना। यानी अगर इसी फार्मूले को हम चेंज करें तो फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2×10⁻¹ आई बाई आर, ठीक। यही मेन फार्मूला है, ठीक, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है ना, सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप कहने का मतलब ये कि कोई कंडक्टर हो, उसको आप क्या करो, उसको लपेट दो, ठीक ना, लपेट के एक छल्ले का आकार बना दो। आकार बनाने के बाद उसमें क्या करो, वैद्युत धारा प्रवाहित करो, ठीक। जब आप वैद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, निम्न करने शर्तें निकलेंगी, देखिएगा। जैसे ही आप क्या करते हो, उस लूप से धीरे धीरे दूर जाते हो, तो उनके चुंबकीय क्षेत्र की जो वृत्ताकार आकृति है उसका जो है वक्राकार जो है कि वो घटता जाता है जैसे जैसे दूर जाओगे, ठीक है। कॉयल से, जैसे मान लीजिए हमारा ये कॉयल है, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाओगे तो ऐसे 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 देखिए ये वक्र कुछ कम हो रहा है ना, ठीक है, ये घटती जाती है, ठीक है। दूरी बढ़ने पे इसका वक्राकार लंबाई जो है वक्र की जो है वो कम होती है। अब देखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होती है इस कॉयल में, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होती है वो उनमें धारा के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के, ठीक है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिएगा उसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर, ठीक है, धारा की दिशा क्लॉकवाइज, अगर धारा की दिशा क्लॉक वाइज हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो दक्षिणी ध्रुव की तरह वर्क करेगा। अगर वहीं क्या हो, एंटी क्लॉक हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा। अब देखिएगा अगर किसी, ठीक, कॉयल है उसके प्लेन से अगर धारा क्या कर रही है, अगर धारा जो है उसमें इंटर कर रही है, ठीक है, धारा नहीं मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की तरफ प्लेन की तरफ जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। अगर प्लेन से बाहर निकल रहा है तो वो क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगर क्या करें, बहुत ही बढ़िया एक कंडीशन है कि अगर क्या हो, कोई कॉयल का प्लेन हो, ठीक है, कॉयल बनी हो ऐसे, उसी का प्लेन हो, तो उस पे जो है तो आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो उस प्लेन के क्या होगी, लंबवत होगी, क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस कॉयल के प्लेन के क्या होगी, लंबवत होगी। अब ध्यान दीजिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, वेरी इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है, कौन, ये वाला, ठीक। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, ठीक ना, जैसे ही आप करोगे क्या कि तार की संख्या जो है आप बढ़ाते जाओ, ठीक ना, लपेट जो रहे हो तार को जो आप लपेटते हो, ठीक, उसकी संख्या आप क्या कर दो, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र भी आपको क्या होगा, उसमें फ्लक्स जो जनरेट होगा वो उतना ही, जितना तार की संख्या बढ़ाओगे उसी तरीके से वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए वही चीज़ बता रहा है, नंबर ऑफ टर्न इंटू एन, यदि एन गुना बढ़ा देते हो आप तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगी, एन गुना आपकी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस लेक्चर में, इस चैप्टर में अभी एक लेक्चर और लगेगा बताने के लिए, तो इस चैप्टर, इस लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए जो है कि एक लेक्चर हम और कवर करेंगे। तो बाकी चलिए ठीक है,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।